और अयोध्या जिले में चौथी लोकसभा की वोटिंग को लेकर इटावा लोकसभा और कन्नौज लोकसभा के मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, लेकिन मतदान शुरू होते ही सड़क के बूथ संख्या 317 तिलक महाविद्यालय में मतदान 7:20 पर शुरू हुआ। वहीं विधुना नगर पंचायत के आदर्श बूथ संख्या 120 की ईवीएम खराब होने के कारण मतदाताओं में काफ़ी रोष दिखाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिले में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ स्थानीय फोर्स को भी रखा गया है। आपको बता दें कि जिले में 1127 बूथ, 829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 214 बूथ को संवेदनशील घोषित किया है, साथ ही वोटरों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। सर, वोट डालने आए हैं, कैसी सरकार चाहते हैं इस बार? ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों के हित में, दलितों और पिछड़ों के हित में काम करें, ना कि पूंजीपतियों के हित में काम करें। जो वादे होते हैं क्या पूरे हुए सरकार में? अभी जो 5 साल की सरकार रही केंद्र की, इसमें तो कोई वादे पूरे होते हमें नहीं दिख रहे, इसलिए समय है। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी भी सरकार को अपना काम दिखाने का। 5 साल के बाद हम तो परिवर्तन की राह पे चले,